हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों के रोकथाम के अभियान के तहत सिरियारी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 279 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त साथ ही एक कार को भी जब्त किया। मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सिरियारी पुलिस द्वारा सायकालीन गश्त और लोकल स्पेशल एक्ट एमवी एक्ट की कार्यवाही के लिए रवाना होकर सिरियारी ओपारी में सायकालीन गश्त कर सारण तिराहे पहुंचे। वहां नाकाबंदी की, जिस पर सिरियारी गांव की ओर से आ रही एक तेज एक्सयू गाड़ी को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी चालक ने नाकाबंदी तोड़कर गाड़ी को सोजत की तरफ भगाया, जिस पर पुलिस जाप्ता ने उस गाड़ी का पीछा किया। वहीं आगे भाग रही गाड़ी गड्ढे वाले रास्तों के कारण खराब हो गई, जिसे उक्त वाहन चालक ने गाड़ी को ओपारी गांव से 2 किमी आगे सोजत की तरफ छोड़कर 2 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिनका पुलिस ने पीछा किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई। यहां सिरियारी थानाधिकारी रामनिवास की स्पेशल टीम में बाहर होने के कारण मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचे एवं आरोपियों द्वारा छोड़ी गई गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें 17 कट्टों में अवैध डोडा पोस्त जब्त कर घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया। इस पूरी कार्यवाही में सिरियारी में कार्यरत हेड कांस्टेबल मालाराम का विशेष योगदान रहा। मारवाड़ जंक्शन से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।